ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब तक जो न्यूमेरिकल किए थे उनमें क्या था, अपने पास वैल्यूज गिवन थी, फॉर्मूला लगा के फिर हमने उसका आंसर निकाला था। इस बार हम डायरेक्ट ग्राफ देख के बता देंगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, हर बार आपको एग्जाम में मिलेगा इस टाइप का ग्राफ। फर्स्ट हम ग्राफ करेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, जिसमें आपके पास एक साइड तो डिस्टेंस, एक साइड मिलेगा टाइम। ठीक है, और उन डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देख के हमें पता लग जाएगा बॉडी मोशन में है, रेस्ट में है। ठीक है, मोशन में है तो कितनी स्पीड पे चल रही है, रेस्ट में है तो कितनी देर तक वो रेस्ट में है। ठीक है, हर ग्राफ के लिए दो एक्सिस लेंगे हम। कौन से वाले एक्सिस है, आपकी मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस, ये वाले क्या ठीक बोल रहे हो तुम? दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस पे आप लेंगे डिस्टेंस, या हमने ले लिया मीटर में। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम, ये हमने ले लिया सेकंड में। अब इन दोनों लाइन को, दोनों एक्सिस को आपने इक्वल पार्टीशन में डिवाइड करना है, जैसे कि हमने ले लिया 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 सेकंड, ये सब क्या अपने पास टाइम। यहाँ पे जरूर है इतना ही गैप आप यहाँ पे ले, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस लाइन के ऊपर जितने भी आप लेंगे उस सबका पार्टीशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये लिया हमने जैसे, ठीक है, इनको आप नंबरिंग भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे 5 का इंटरवल लिया था आपने, यहाँ पे आप चाहे तो 10 का ले लिया, 20 का ले लिया, आपकी मर्जी है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, आपको मिलेगा ग्राफ डायरेक्ट, और ग्राफ देख के आपसे पूछा जाएगा कि इस ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चार ऑप्शन मिल जाएंगे कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी इतनी स्पीड पे है, बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म में है, मोशन में है तो, या नॉन यूनिफॉर्म में है। पहला जो ग्राफ है वो इस टाइप से है, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाएगा कि बॉडी किस टाइप का मोशन शो कर रही है, क्लियर है? तो यहां जब भी आपको इस टाइप से इस क्वाड्रेंट में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, लाइन है तो लाइन के ऊपर आप जहां आपका मन करे वहां पे अपने आप से डॉट बना लो, क्योंकि लाइन की डेफिनेशन ही क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैनी इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सारे सारे पॉइंट है, कहीं पे भी मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया समझो, ठीक है, इस लाइन के ऊपर मानना वो पॉइंट। हमने फर्स्ट हमने ये पॉइंट देखा, चलो ए पॉइंट इसका नाम रखा, ये बी था। ए पॉइंट के ऊपर क्या पोजीशन है बॉडी की, इस क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप बॉडी की पोजीशन बता सकते हैं। पोजीशन बताने के लिए क्या काम करना अपने को, उस पॉइंट के नीचे देखो, उस पॉइंट के साइड में देखो। इस ए पॉइंट के नीचे मैंने देखा तो मेरे को मिला टाइम 15 या 17, जो भी अपने को 5 या 7 जो भी टाइम मिल रहा है, 7 सेकंड मान लिया यहाँ पे टाइम था, 6 सेकंड था, 6 सेकंड पे उसकी पोजिशन क्या है इस पॉइंट पे, वो 6 सेकंड टाइम लिया उसने, और डिस्टेंस कितने का रखा है इस पॉइंट के लेफ्ट में 40 मीटर। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है अपने की, टाइम जब 7 या 6 सेकंड होता है तो उस टाइम पे वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ने पॉइंट बी पे देखा, पॉइंट बी पे टाइम अपना 9 सेकंड मान लो या 8 सेकंड, कुछ भी हो नो प्रॉब्लम। यहां पे हमने देखा कि डिस्टेंस कितने कवर की, फिर से इधर देखो 40, अगले पॉइंट पे टाइम कुछ भी हो डिस्टेंस फिर से 40, मीन्स जहां तक हमने देखा कि उसकी डिस्टेंस जो है वो क्या रही है सेम, मीन्स जहां पे शुरुआत में थी वहीं पे उसकी डिस्टेंस, टाइम बढ़ता गया लेकिन डिस्टेंस में उसके में कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो क्या वो गाड़ी चल रही है या वो रेस्ट में है, रेस्ट में है। तो जब भी कभी आपको इस टाइप का ग्राफ मिले तो हम उसको देखते बोल देंगे कि किस टाइप का ग्राफ है, रेस्ट का ग्राफ है। ठीक है, एक ग्राफ इस टाइप से है, फिर से हमने लेने इधर सारी चीजें क्या ली हमने, डिस्टेंस, और इधर हमने लिया टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड 15 20 10 20 30 40 50 60। दिस इज अगेन डिस्टेंस इन मीटर, दिस इज टाइम इन सेकंड, क्लियर? इस बार हमने देखा कि गाड़ी चल नहीं रही, चल रही है, मीन्स रेस्ट वाला ग्राफ नहीं बना रहे हम। आपको मिलता है इस टाइप का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब इस सीधी लाइन को देख के आप लोग क्या बता सकते हैं कि गाड़ी मोशन में है या रेस्ट में है, मोशन में है तो किस टाइप का मोशन शो कर रही है, रेस्ट में तो किस टाइप का, रेस्ट है, रेस्ट का कोई टाइप होता है,
कोई टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो वो मोशन में है, तो किस टाइप के मोशन में है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम कहीं पे भी अपने आप से पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। अच्छा रहेगा कि आप पॉइंट इन्हीं लाइन के सीध मिले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस वगैरह सब अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं। ये पॉइंट ए मान लिया, ए पॉइंट को उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया समझो, 10 के बाद ये 20 के बीच में, तो ये हम 14 समझ सकते हैं नियर अबाउट। आप इसको अच्छे से स्केल से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर मिलेगा, या ग्राफ पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में, उससे हमें क्लियरली पता लग जाता है कितना पॉइंट है यहाँ पे। 10 पे हम इसको फिर से यू करेंगे, 10 की सीधी सीधी लाइन, फिर यहाँ पे ठीक है स्केल से करेंगे आप लोग इसको, तो ये कहाँ पे मिले हमको समझो 28 के आसपास मिल गए। अगला हम देखेंगे, ठीक है थोड़ी सी नीचे मिलेगी आपको स्केल से करोगे तो, ये आपको मिलेगी 42 पे। पॉइंट ए देखा, पॉइंट बी देखा, पॉइंट सी देखा, ठीक है। पॉइंट ए मींस 0 to 5 सेकंड में टाइम कितना लिया उसने, 5 सेकंड, डिस्टेंस कितनी कवर की है 14, मींस 0 to 5 सेकंड डिस्टेंस कितनी 14 मीटर, ठीक है। आगे हमने देखा 5 to 10 सेकंड, अगेन टाइम कितना 5 to 10 के लिए भी कितना टाइम है 5 सेकंड, डिस्टेंस कितनी है 40 से 28 तक कितनी ली 14। अगला फिर से 5 सेकंड टाइम, डिस्टेंस हमने देखी इन 5 सेकंड की डिस्टेंस ये है 28 to 42 कितना हुआ फिर से 14 मीटर। मीन्स यहां से ये क्लियर हो गया है कि इक्वल टाइम इंटरवल में उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तभी ये कैसी लाइन आई है स्ट्रेट लाइन आई है, ठीक है। और वो मोशन कौन सा होता था जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, क्या डेफिनेशन थी ध्यान हो तुम्हें, क्या बोलते थे इसको हम यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर है। तो जब भी कभी इस टाइप से स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखेगा तो हम समझ जाएंगे किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्लियर है। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता अपना, ठीक है, तो फिर किस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिलता, इस बार हम खुद ग्राफ बनाएंगे। मोशन को देख के फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 10, 20, 30, 40, 50, ये सभी क्या है डिस्टेंस। इधर क्या अपने पास टाइम इन सेकंड, 5, 10, 15, 20, क्लियर। इस बार आपको उसने इंफॉर्मेशन दी है कि भाई पहली 5 सेकंड में इतनी दूर गया, अगली 5 में इतनी दूर जाता है, और आपको खुद से क्या बनाना पड़ रहा है ग्राफ बनाना उसका, ठीक है। उसने आपको बताया कि पहली 5 सेकंड में 0 to 5 उसने देखा है तो वो कवर करती है 10 मीटर, ठीक है। अगली 5 सेकंड में मीन्स 5 to 10 में वो चली है समझो सिर्फ यू कैन से 5 मीटर ही गई आगे, ठीक है। अगली हमने देखा 10 to 15 सेकंड में, 5 सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 25, ठीक है। और फिर आपसे बोला जाता है कि इनका ग्राफ बनाइए कैसा बनेगा, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, एक ट्रिक में तुरंत आपके माइंड में 0 to 5 सेकंड मीन्स टाइम ये है 5 सेकंड, इसके सामने यू लाइन लगाई, डिस्टेंस कितनी थी उस टाइम पे 10 के सामने ऐसे लाइन लगाई, जहां पे भी काटते हैं वहीं पे अपना पॉइंट ए आ गया है, ठीक है। अगला 5 to 10 सेकंड, यहाँ पे सीधी लाइन कितने डिस्टेंस कवर की 5, मीन्स 10 से आगे 5 और देखने हमने यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगला हमने देखा 25 मीटर का भी 15 पे जब वो जा चुकी है, 15 पे ऐसे लाइन लगाई, 25 और ऐड करेंगे इसके अंदर तो कितना बन जाएगा 15 plus 25 will be 40, ठीक है। सो इट विल बी अप टू दिस पॉइंट, अब इन सभी पॉइंट को आप लोग मिला देंगे, बीच का जो मटेरियल है उसकी कोई जरूरत नहीं अपने को, सिर्फ ये पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है। भैया अपने पास सारे पॉइंट, 3 ही पॉइंट काफी है अपने को मोशन रिप्रेजेंट करवाने के, ठीक है।
जीरो से चलना शुरू करेंगे, यहां से चली, इसके बाद ये डाउन हो गया ग्राफ, इसके बाद एकदम से स्पीड उसने बढ़ा लिया। इस टाइप का ग्राफ हमें मिल रहा है। मीन्स क्या पता लगा इस ग्राफ को देखते हुए हमें? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती थी? इक्वल डिस्टेंस नहीं करेगी वो इक्वल इंटरवल में। ध्यान होगा तुम्हें, टाइम तो हर केस में कितना कितना था? 5 सेकंड था। पहली 5 सेकंड में तो उसने कितने डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर। अगली 5 में कितने की सिर्फ है? 5 मीटर। अगली 5 में कितनी कर दी है? 25। तो क्या उसकी पूरी जर्नी में स्पीड सेम रखी है उसने, या स्पीड कम ज्यादा की है? अब तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नंबर में बिल्कुल आसानी से आ सकता है, कि इस पूरी जर्नी में यहां से, ठीक है, पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक वो जा रही है, पूरी जर्नी में सबसे फास्ट उसने गाड़ी कब चलाई है? किस टाइम इंटरवल में उसने गाड़ी फास्ट चलाई है? 10 to 15। कैसे पता लगा हमने? क्योंकि इस 5 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी? 25। तो सीधी सी बात है, फास्ट चलानी पड़ी है। अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि स्लोएस्ट डिस्टेंस या स्लोएस्ट स्पीड कब रही उसकी, कौन से टाइम इंटरवल पे रही स्पीड, कौन से रही है? 5 to 10 पे। क्लियर है? तो ये कौन सा मोशन आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म के फिर सब डिवीजन बने थे, एक्सेलरेटेड, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वाला, नेगेटिव एक्सेलरेशन वाला, ठीक है। वो हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं उसके न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप का मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये तो था कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब हम इसको हटा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा अपना? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इस बार हम एक एक्सिस पे तो क्या लेंगे? वेलोसिटी। दूसरे पे क्या लेंगे? टाइम। टाइम वाली एक्सिस हम सेम ही रखते हैं, जहां पे हमने डिस्टेंस एक्सिस बनाई थी उस एक्सिस को हम कौन से बना देंगे इस बार? वेलोसिटी। ये अपने पास ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेलोसिटी, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगेन 5, 10, 15, 20। 0-0 हो गए यहाँ पे तो, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर वो गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग समझते हैं आप लोग? मीन्स उसकी स्पीड बढ़ घट रही है या सेम चल रही है? सेम चल रही है। अगर उसकी स्पीड सेम चल रही है तो टाइम कितना भी बढ़ता रहे उसकी स्पीड हमेशा ही क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे हमने देखा 5 सेकंड पे उसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किसमें ले रखी हमने? ये मीटर पर सेकंड। हमने 5 सेकंड पे देखा उसकी स्पीड कितनी मिली? 40 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 सेकंड पे स्पीड कितनी है? 40 मीटर। अभी 5 सेकंड तक हमने इंतजार किया कि शायद स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 पे हमने देखी तो भी स्पीड कितनी मिली? 40 मीटर, ठीक है। अगली पे देखी हमने 15 पे भी, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो टाइम कितना भी बढ़े उसकी स्पीड क्या रहेगी? सेम। तो हमने इस टाइप से 3-4 इंटरवल चेक किए जो जो अपने पास ग्राफ में हो सकते थे। हर इंटरवल पे हमने उसकी स्पीड क्या देखी? सेम। तो इस टाइप से एक सीधी लाइन मिल जाएगी आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल। अगर इस टाइप की लाइन मिल रही है आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो वो किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। अब याद करो उन दिनों को, थोड़ी देर पहले हमने एक काम किया था, उसमें भी ऐसे टाइम के साथ एक पैरेलल लाइन आई थी, और तब आपने जवाब दिया था कि वो क्या है? बॉडी रेस्ट में है। तो ये ग्राफ और वो ग्राफ दोनों मिल जाएंगे तो कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा रेस्ट का है, कौन सा यूनिफॉर्म मोशन का है? सिंपल सा पॉइंट अपने पास, वहां पे यहाँ पे क्या मिलेगा? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम चलती जा रही है तो क्या? बॉडी रेस्ट में। अगर वेलोसिटी सेम चलती जा रही है तो बॉडी किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर है? तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप के ग्राफ अपने पास, एक तो ये स्ट्रेट लाइन वाला, एक आपको ध्यान हो थोड़ी देर पहले बनाया था हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम वाला, याद आया कुछ? जब ये सीधी लाइन आती थी डी और टी की, डी वर्सेस टी की स्ट्रेट लाइन आती थी, तो वो भी क्या था? यूनिफॉर्म मोशन था। तो याद रखना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइन समझे यूनिफॉर्म मोशन क्या, ये समझे।
ये लाइन कब होगी जब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, ये लाइन कब होगी जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, क्लियर है? ठीक है, तो इस टाइप से ये अपने पास कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आ गया है, क्लियर है? अब अगला अपने पास होगा में वही काम करना है, यहाँ पे टाइम इंटरवल 5, 10, 15, 20 ये आपको अलग भी मिल सकते हैं, कहीं आप सोचो कि हमने तो 5, 10 के सीखे थे और पेपर में आ गए 10, 20 वाले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ इंटरवल सेम रहना चाहिए, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आपके लिए, ये इधर वाली भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे इस बार मैं कर रहा हूँ 20, 40, 60, 80, 100 इसमें ये स्पीड मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है, क्लियर डोर? अब यहाँ पे एक ग्राफ आपको इस टाइप से दिख रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन है, इस सीधी लाइन को देखते हो आप क्या बता सकते हैं? पेपर में यूं ही मिलेगा आपको सीधा सा, एक ग्राफ देंगे, चार ऑप्शन देंगे और ये पूछेंगे बताओ ये ग्राफ किस टाइप का है। अब थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा ही ग्राफ बनाया था, आपको ध्यान हो तो, जिसको मैं बोल रहा था कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, लेकिन ध्यान रहे वहां पे क्या चीजें थी, यहाँ पे टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी टाइम की वजह से पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा अपना, ठीक है? कैसे पता लगाना है, सिंपल सा काम है, पहली बात तो ये कंफर्म हो रहा है कि वेलोसिटी उसकी सेम है या चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। देखो हमने जीरो टाइम पे देखा, जीरो टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, जीरो, 5 सेकंड पे देखा उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है वो, 10 सेकंड के बाद देखा हमने तो कितनी हो चुकी है, या आपका बिल्कुल इसी 40 पे टच करेगा, मेरा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये रफ एंड से है। 15 पे आप देखेंगे तो 60, ये आपको कहाँ मिलेगी, 60 पे, ठीक है? मीन्स यहां से क्या कंफर्म हो रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा था क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हुई या वेलोसिटी सेम रखी है उसने, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी का चेंजमेंट ही क्या बोला जाता है, आपको ध्यान हो तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या बताई थी हमने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो किसकी डेफिनेशन थी, एक्सेलरेशन, मतलब कि ये लाइन जो आएगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को। वैसे भी आप याद रखना, ये लाइन के बारे में बहुत पूछा जाता है कि जो बीच की लाइन है या जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप याद रखना यहां पे इस एक्सिस के अपॉन ये एक्सिस करनी है आपको, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब हम वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं तो क्या बनता है वो, एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलेरेशन। थोड़ी देर पहले था अपने पास डिस्टेंस और टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बनता है, तो ये जो लाइन थी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड को, याद रख लेंगे, पहचान हो गई सबको कि बीच की लाइन क्या है, बीच की लाइन इसका और इसका रेशियो है, याद रह जाएगा। तो ये जो सीधी लाइन अगर आ गई बीच में, सीधी लाइन आ गई तो एक्सेलरेशन कैसी आ गई, समझो अपने पास ये बात तो कंफर्म थी कि ये जो लाइन जो भी आएगी वेलोसिटी अपॉन टाइम के बीच में क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन, ये बात क्लियर थी। अब अगर ये लाइन सीधी है तो कैसी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म। लाइन टेढ़ी मेढ़ी आएगी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है आपकी, क्लियर है? अब दूसरा ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप से मिल रहा है, 20, 40, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40, 0, 0 मीन्स यहाँ पे जीरो वेलोसिटी, जीरो टाइम पे, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या लिया वेलोसिटी, यहाँ पे क्या लिया हमने टाइम, क्लियर? हमने देखा कि पहले जीरो पे तो जीरो थी दोनों चीजें, इनिशियली वो गाड़ी क्या थी, खड़ी थी, रेस्ट में थी। हमने देखा कि थोड़ी देर बाद क्या हुई, उसकी स्पीड 10 सेकंड जब हो चुका है तो 10 सेकंड के बाद उसने अपनी स्पीड जो है 20 पे कर दी है, ये पॉइंट आएगा अपने पास, ठीक है? मींस 10 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ा दी है, 20 मीटर पर सेकंड को जा चुका है जीरो से, जैसे स्कूटर स्टार्ट की चलना शुरू किया
और हमने 10 सेकंड बाद देखा तो टोटल स्पीड कितनी मिली हमें 20। इसके बाद उसने देखा कि 20 तो भाई थोड़ी सी ज्यादा है, धीरे धीरे बढ़ाओ स्पीड, बहुत जल्दी ज्यादा कर दिया है। तो उसने 20 अगले 10 सेकंड में इसको बढ़ाया है सिर्फ 30 तक किया उसने, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा लिख सकते हैं साथ में भी, टाइम जब आपके पास 5 सेकंड था तो उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। जब टाइम उसने कर दिया 10 सेकंड तो वेलोसिटी कितनी हुई आपके पास 30 मीटर पर सेकंड। इसके बाद उसको लगा कि भी लेट हो जाएगा इतनी स्पीड पे चलता रहा तो, उसने स्पीड अगले 10 सेकंड में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जब 10 सेकंड अगली हुई तो उसने स्पीड 80 कर दिया है, खूब जोरदार उसने स्पीड बढ़ाई है, ठीक है। जैसे कि आप करते हो कि साइकिल पहले आराम से चल रही है, स्कूल से आते टाइम एकदम से मन किया कि चलो घर पे चलते हैं, फास्ट जाते हो, स्कूल में जाते हो तो स्लो चलते हो शायद, कि काश कोई मैसेज आ जाए कि छुट्टी हो रही है आज की और हम यहीं से रिवर्स कर दें, है ना। तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है आगे, अगले 10 सेकंड में बहुत ज्यादा स्पीड उसने बढ़ा दी है, थोड़ी जल्दी होगी इसको, तो यहां से जाके वो 80 कर दिए उसने। अब इन सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे 0 से 80। ये जो आपके पास मोशन आया, सीधी सी बात है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो v by t, what is this? Acceleration. ये तो कंफर्म है कि बीच की लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, acceleration को। लाइन सीधी आती तो कैसे acceleration बोल देते हम, यूनिफॉर्म। लाइन आई है टेढ़ी मेढ़ी zigzag तो क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर, समझ आया अभी? ये था अपना आज का टॉपिक, ठीक है।